नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं ननु नरेंद्र और आपको सुना रहा हूं अपनी रचना जिसका शीर्षक है बुध बुध। उसने आज फिर जोर देकर कहा, तुम मनोचिकित्सक को दिखा ही लो, तुम्हें कुछ भी बात समझ में आती तो है नहीं, जितना मर्जी मत्था मार लो कोई फायदा नहीं। मैंने ऐतराज किया, मैंने कहा मुझे सब समझ में आता है, तुम मुझसे 19 का पहाड़ा सुन लो। बात पहाड़ी की नहीं है, भले आदमी जाओ जाकर दिखा लो एक बार। गया तो मैं नहीं, किंतु जब से उसने कहा है मेरे दिमाग में बुदबुद हो रही है। यह मेरी समस्या पहले से है। मौसी को देखने गया, उनके पथरी का दर्द होता है, घर आया तो मेरे पेट में 2 दिन दर्द रहा। ब्रेन ट्यूमर के मरीज को देखने गया तो 2 दिन तक सरदर्द रहा। मेरे पड़ोस में एक आदमी रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं, उसकी बेड टी भी बेकार गई, साबुत का साबुत कप फेंकना पड़ा, लेकिन मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई, डरता रहा, सो गया तो मालूम चला उठा ही नहीं। ससुर जी को देखने गया तो उन्होंने अपने घुटनों के दर्द का गाना गाया। घर आते हुए मैं बाम और नी कैप लेकर आया, रात को बाम लगाया और तब सोया। घुटनों में हल्का हल्का दर्द अब भी महसूस हो रहा है। परसों ही कॉलोनी में एक डेंटिस्ट के क्लिनिक का इनॉग्रेशन था, मैं भी गया। डेंटिस्ट क्या है, एक खूबसूरत बला है, जब से उसे देखा तब से दांत में बुदबुद हो रही है। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी ननु नरेंद्र से मेरी लिखी कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।